हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है। अच्छा तो बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। दरअसल बेटा देखो, आप लोग की सेट वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जोगिंदर, तो जल्दी से आप लीव कर सकते हैं, बट हाँ, जब आपका काम खत्म हो जाए तो तुरंत ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जोगिंदर के नाम से जो बच्ची है। यस। तो बच्चों, मैं ये बता रहा था आप सभी को कि सैट के एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। तो मैं ये सोच रहा था, क्यों ना जितना भी पढ़ाया गया है उस गणित का, उस पूरे गणित का रिविजन करा दिया जाए। बेटा क्या ये ठीक है आप सभी के लिए? जल्दी बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको रिवीजन करवाऊंगा मैं सैट परीक्षा के लिए, है ना। सैट परीक्षा के लिए मैं गणित को रिवाइज करवाऊंगा। अब ये क्लासेस कब से शुरू होने वाली है बच्चा? तो बेटा ये क्लास स्टार्ट होने वाला है मंडे से, जो ये आने वाला मंडे है ना, इसी से, यानी कि 11 जुलाई से। जबकि आज कितना जुलाई है बेटा? तो आज 8 जुलाई है। तो आने वाले मंडे को हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इस रिवीजन वाली क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि गणित को अगर आपको समझना है तो बेटा रिवाइज तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, चीजें भूलती हैं, और चीजों को भूलने से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन, और वह स्टार्ट करने वाला हूं मैं। कब से स्टार्ट करने वाला हूँ? 11 जुलाई। 11 जुलाई कब पड़ रहा है? मंडे को, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन से। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो क्या सारे बच्चे इस क्लास को, क्या सारे बच्चे इस क्लास को एकदम एक्साइटेड होकर देखने वाले हैं? बहुत शानदार। बाकी लोग भी इस तरीके से रिप्लाई करिए, बाकी लोग भी। बहुत बढ़िया, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल, यस। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और आपका जो सेट का एग्जाम है उसमें आप बेहतर अंक ले आए, है ना, इस रिवीजन के माध्यम से। बहुत बढ़िया बेटा। सैट का एग्जाम कब तक होंगे? बेटा जब भी होंगे बता दिए जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द होने ओके वाले। ठीक है, जब होगा तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक, ओके बच्चों। तो बच्चों देखो ध्यान से, हम लोगों ने पिछले क्लास में, है ना, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बिंदुओं के प्रकार और उनके रूपांतरण पढ़ रहे थे, है ना। जैसे कि मान लो 2/3 लिखा है, तो बेटा ये जो 2 है वो क्या है? कम है ना, यानी अंश कम है, और ये जो हर है बेटा ये क्या है? ज्यादा है। जब अंश कम होता है और हर ज्यादा होता है, तो इस प्रकार के भिन्न का बेटा नाम हो जाता है उचित भिन्न। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? ओके, और मान लेते हैं इस प्रकार से लिखा है 12/7। तो ध्यान से देखो, तो जो ये अंश है ये क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अंश जो है बेटा वो क्या है? ज्यादा है, और हर कम है। तो बच्चों इस प्रकार के भिन्न का नाम क्या रखेंगे हम लोग? विषम बहुत भिन्न या लाजवाब, बहुत लाजवाब। ठीक है, तो इसका नाम होगा बच्चों विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। बेटा कुछ अनुचित बच्चे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। एक बच्चा बोल रहा है या बच्ची बोल रही है कि सर मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बाकी बच्चे बता दीजिए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो ये धर्मवीर के नाम से जो भी बच्ची है, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो बेटा बाकी बच्चियों को क्लास एकदम बेहतर ढंग से दिखाई दे रही है, और वो अच्छे सब कर भी रहे हैं अच्छे तरीके से। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने दो चीजें सीख ली। अच्छा,
मान लो मैंने इस प्रकार से लिख दिया 2 सही 5/7, तो इस प्रकार के दिन का नाम क्या होगा? विश्वविन बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। तो बच्चों इस प्रकार के भिन्न का नाम होगा मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। सर, अच्छा हाँ बताइए। एक बार दोबारा समझा दोगे? वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए कट गया था। अच्छा, दरअसल मैं यहाँ पे भिन्नों के प्रकार को रिवाइज करवा रहा था बेटा, रिवीजन इसलिए करवा रहा था क्योंकि देखो हमेशा जब क्लास स्टार्ट होती है तो पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया गया होता है उसको हम लोग रिवीजन करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने अभी को यहाँ पे अभी को मैंने उचित भिन्न के बारे में बताया, अनुचित भिन्न के बारे में बताया, और अब मिश्र भिन्न के बारे में बता रहे हैं। समझ में आया आपको? यस मालती, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैंने ये भी सिखाया था कि मान लेते हैं कि अगर कोई विषम भिन्न है या फिर इसका दूसरा नाम अनुचित भिन्न होता है, तो अगर कोई विषम भिन्न है तो बच्चों हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में, ठीक। या फिर बच्चों अगर कोई मिश्र भिन्न है, अगर कोई मिश्र भिन्न है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न में, है ना? एक एग्जाम्पल तो उसमें सिखा देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 12/7, ठीक है, 12/7 लिखा है, तो बच्चों इसको आप कैसे मिश्र भिन्न बदलोगे जबकि ये क्या है, अनुचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है? तो आप 12 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 7, और बेटा 7 और 5 12, यानी कि जो शेषफल होगा वो 5 आएगा, आएगा ना बेटा? जब तो शेषफल 5 आएगा तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिएगा, ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले भागफल लिखते हैं, ऊपर की तरफ शेषफल लिखते हैं, और नीचे की तरफ बेटा, नीचे की तरफ आप क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। ये देखिए भाजक है, ये भागफल है, और बेटा ये शेषफल। क्या आप सभी को समझ में आया कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे यस बदलेंगे? सर, अच्छा बच्चों देखो, बिल्कुल सही बात है। अंकित के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर जब आप बोल रहे हैं तो बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप सारे बच्चों को बोल दीजिए कि माइक को बंद कर लो। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, है ना? तो यस, सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे अब माइक को बंद रखेंगे और सिर्फ चैट बॉक्स में ही आंसर करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, यस, ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, है ना? तो ये एक तरीका था चेंज करने का। दूसरा क्या है बेटा, मान लो कि एक मिश्र भिन्न दे रखा है, 4 सही 3/8 मान लेते हैं, लिखा हुआ है 8। तो बच्चों अगर इसको आपको चेंज करना है विषम भिन्न में तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस 8 का गुणा करना है आपको 4 में, तो 8 चौक 32, 32, 32 में बेटा ये जो अंश वाला नंबर है उसको जोड़ना पड़ता है, तो 32 + 3/8 लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे संख्या है। तो 32 और 3 कितना होता है बेटा, 35 होता है, 35/8 आपका फाइनल उत्तर होगा। क्या आपको समझ में आ जाए ये वाला भी? देखो सुनीला देवी के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने आंसर लिख दिया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाकी लोग भी लिखते रहिएगा, है ना? यस, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है कि हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बेटा यहीं से आपको सीखना बाकी है, ठीक है, यहीं से आपको सीखना बाकी है। चलो बच्चों मान लो लिखा है 4 सही 2/3, तो क्या आप इसको विषम भिन्न में लिख सकते हैं? अगर हाँ तो चैट में लिख करके बताइए, अगर हाँ तो चैट में लिख करके बताइए विषम भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको।
बाकी लोग भी बताइए बेटा, सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग भी बताइए क्या ये सही है या गलत है। ओके ठीक है, अब ये सारे बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और बच्चों जिन भी बच्चों ने आंसर किया है उन सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है ना, सारे बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों देखा किस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, मैंने अभी तो बोला था ना कि जो भी हर होगा उसका गुणा कर दीजिएगा 4 × 12, और बेटा यह 12 आने के बाद जो अंश है, अंश यानी कि 2, तो उस अंश को जोड़ दीजिएगा इसमें, 12 + 2/3, यहाँ पे इसको लिखेंगे बेटा 12 और 2 = 14, यानी 14/3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 14/3। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए 14/3 इनका भी आया है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो बच्चों पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन दें आप सभी को करने के लिए, बताइए ठीक है जितेंद्र, ठीक है अच्छा। धर्मवीर के नाम से जो बच्ची है, आप क्या करो ना कि आप किसी दूसरे के नेटवर्क से बेटा जुड़ने का प्रयास करो, ठीक है, धर्मवीर के नाम से जो भी बच्ची है, क्योंकि देखो बाकी बच्चे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, और अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो इसका एक ही वजह है, नेटवर्क का ठीक ना होना, या तो आप अपने मोबाइल में एक बार एयरप्लेन मोड लगा दीजिए, एक बार एयरप्लेन मोड लगा दोगे आप और उसको फिर ऑन कर दोगे यानी उसको हटा दोगे फिर से, तो चीजें ठीक हो जाती है, एक बार ये ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। यस बेटा, एक बार एयरप्लेन मोड लगाओ फिर इसको बंद करो फिर क्लास को ज्वाइन करो, देखो कितना शानदार ज्वाइन होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें काम करती है, मैंने देखा है, ठीक है। चलो अब देखो 4/3/7 इस प्रकार से है, अब आपको इसको बदलना है विषम भिन्न में। बच्चों मैं पोल को ऑन कर देता हूँ और चैट को बच्चों बंद कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि तुरंत चैट को ऑन नहीं किया जाता है, कुछ समय बाद ही ऑन किया जाता है, ठीक है, तो मैं कुछ समय बाद ही ऑन करूँ। चार सही 3/7 को बेटा बदलिए आप लोग, सर मेरे में फोन नहीं आता है। नो बेटा मैंने नहीं ऑन किया। अच्छा, आपके में आता ही नहीं है फोन, सर, ठीक है कोई बात नहीं, विषम भिन्न में बदलना है। कोई बात नहीं, आप ना जब अभी कुछ चैट ऑन करूंगा तो आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, यस, अच्छा आपका नाम क्या है बेटा, मालती देवी के नाम से जो बच्ची है आपका नाम क्या है, चलो बच्चों अब मैंने पोल को ऑन कर दिया है, जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में इसको सॉल्व किया है वे अब इसका आंसर चूज कर सकते हैं, वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा धर्मवीर के नाम से जो बच्ची है, माइक ऑन करके बता दीजिए, क्या अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, धर्मवीर के नाम से जो बच्ची है, हमारा हो गया। बच्चों इस सवाल के लिए जो स्कोर है, वो है 12 का, क्योंकि 12 बच्चों ने इसका आंसर करेक्टली दे दिया है, 13 बच्चों ने इसका आंसर करेक्टली दे दिया है, और सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हो गया है, 13 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से मैंने स्कोर आप सभी को बता दिया हुआ है, ठीक है, 13 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए,
बाकी बच्चे भी यहाँ से कर गए बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी यहाँ से कर गए। चलो लास्ट की 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम कोड को बंद कर देंगे। ओके बच्चों, अब मैं कोड को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग इसका आंसर लिख सकें। और बेटा आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा लीजिए, जो बच्चे कॉपी चेक कराना चाहते हैं कैमरा ऑन करिए, सारे बच्चे कैमरा ऑन करिए, ठीक है, सारे बच्चे कैमरा ऑन करिए। सर मैंने तो ऐसे ही सॉल्व किया कॉपी में नहीं। सर मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। ओके ठीक है, अब देखो 4 सही 3/7 है, ठीक, तो 7 का अगर आप 4 में कर दीजिए, 7 चौक 28, और बच्चों 28 में ये जो अंश वाला 3 है इसको जोड़ना पड़ता है, तो 28 + 3 लिखेंगे ऐसे, 28 और 3 कितना होता है बेटा, 31 होता है ना, 31/7, यानी सी वाला उत्तर ठीक होगा। क्या सारे सर ये बच्चों, रहा हमारा हाँ क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, अब हेडिंग लगाइए ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, बिंदु पर संक्रियाएं। बच्चों हेडिंग लगाइए बिंदु पर संक्रियाएं, क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बच्चों, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको आगे की चीजों को पढ़ाया जा सके। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि LCM है ना, सुन हम लोग ये सीखेंगे कि सुन ले LCM, ना जा रही मालती देवी के नाम से जो बच्ची है, बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो मैं तू ना जा आपकी, रही हाँ मैं आपके स्कूल में आऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी कॉपी बिल्कुल चेक होगी और इसकी चिंता मत करिए, बस हाँ अभी के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एलसीएम निकालना जानते हैं, और एलसीएम को बच्चों हिंदी में बोलते हैं लासर, यानी कि लखन सा सर। पकवान। हमें चैट में, चैट में बताइए, चैट चैट में बताएंगे तो मेरी आवाज नहीं कटेगी, गाने का मतलब ये। ओके, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वे सीखेंगे, जो बच्चे जानते हैं अपना रिवाइज करिएगा। तो बच्चे सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो LCM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बेटा इसको है ना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LCM बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लसर, ल फॉर लघुत्तम और स फॉर समापवर्त। ठीक है, निकालते कैसे हैं? देखिए आप एक सवाल पूछा है कि बताओ 30 और 60 का LCM कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है कि 30 और 60 का LCM कितना होगा बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए ध्यान से देखिएगा। पहले देखो बेटा, पहले 2 से भाग करते हैं, फिर 3 से भाग करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यह एक क्रम होता है भाग करने का, ठीक है, यह एक क्रम होता है भाग करने का। सबसे पहले 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे आप तो ये 15 बार में कटेगा, और बेटा 30 दूनी 60 होता है ऐसे। फिर 2 से कट करिए, क्योंकि देखो
15 तो नहीं कट होगा लेकिन 30 कट जाएगा, तो 15 दूना 30। अब बच्चों ये दो से कट ही नहीं सकता है, तीन से कट होगा, तो 3 बच्चे 15 और 3 बच्चे 15। अब ये 3 से भी नहीं कट होगा, ये 5 से कट होगा, देखो बेटा 5 कम 5, 5 कम 5। इसीलिए LCM यानी कि लसा बराबर ये जो संख्याएं आई है ना, ये वाली संख्याएं, इनका आपस में गुणा करा दीजिए, 2 × 2 × 3 × 5 यानी कि 2 × 2 = 4 × 12 = 60 यानी कि बेटा इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 60। ये 60 क्या है? LCM है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, प्रोबल का ठीक आंसर। सर हाँ बताइए। सर ये दो सर 15 लिख दिया ये दोनों बार, और सर 30 तो लिखना, 30 आना चाहिए ना, 15 लिखा आपने यहाँ पे। तो बेटा देखो 30 के बाद 15 ही लिखे हैं, देखो ध्यान। सर 15 लिखते हैं। हाँ इसके आधा कर रहे हैं ना बेटा एक्चुअली क्या। अच्छा एक बात और देखो, हमको लगता है आप ये सोच रहे हो क्या, ये वाला 15 है और इस वाले 15 के बाद ये वाला 15, ये सोच रहे हो क्या, इसके बारे में बोल रहे हो बेटा? सर मैं 30 और 15 के बारे में सोच रही हूँ, पहले आपने ऊपर 30 लिख दिया फिर ऊपर यहाँ पे 15 लिख दिया, सर दोनों ही में कंफ्यूजिंग है। तो सुनो ना, जैसे कि क्या है ना कि 30 के बाद ये जो 15 है ये क्यों आएगा, क्योंकि 30 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो कितने बार में कट होगा बताओ, कितने बार में कट होगा? हाँ सर हाँ 15 बार में कट होगा ना। हाँ सर। तो 15 यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा बताओ अगर 60 को 2 से भाग किया जाए तो कितने बार में कट होगा? सर किसका? 60 को अगर 2 से भाग किया जाए तो कितने बार में कट होगा? सर 30। 30 बार। देखो मैंने वहाँ पे 30 लिखा है, तो जो जितने बार में कट जाएगा उसको वहाँ पे लिखना पड़ता है। 30 2 से कट रहा था, 15 बार में 15 मैंने लिख दिया। 60 2 से कट रहा था, 30 बार में मैंने 30 लिख दिया। फिर 2 से 15 कटेगा ही नहीं तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन 30 कट रहा था उसकी वजह से हमें अब उसको 15 बनाना पड़ेगा। अब समझ में आया कि अभी नहीं? ओके ओके। तो बेटा और मैं सवाल लगवा देता हूँ ताकि आपको सीखने को मिल जाए। मान लो बोल दिया जाता है कि 15 और 20 का LCM निकालिए। देखना बेटा कैसे निकालेंगे, देखना आप सभी लोग। पहले आप 2 से भाग करने की कोशिश करिए, तो 15 को 15 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 से कट होगा नहीं, लेकिन 20 को लिख सकते हैं हम लोग 10, क्योंकि 10 दूनी कितना होता है 20, फिर 2 से कट कर 15 को 15 ही लिखिए आप, लेकिन 10 को अगर आप 2 से भाग करें तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अच्छा अब ध्यान से देखो, यह 2 से नहीं कट सकता है, क्यों? क्योंकि जो 15 है या जो 5 वह 2 से नहीं कटेगा। सर 5 से कटेगा। सर 5 से तो कट जाएगा ना। हाँ बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन उसके पहले 3 से कट हो रहा है, 3 से। सर यार देखो 3 से, तो 3 बच्चे 15 और 5 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि कट नहीं रहा। अब 5 से काटो बच्चों, अब आराम से 5 से काटो। इसलिए LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4 × 12 = 60। बेटा इसका भी उत्तर 60 आया। अब आप सोच रहे होगे कि हमेशा 60 ही उत्तर आएगा क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो 2 सवाल हमने ऐसा ले दिया कि उत्तर 60 आ गया, उत्तर कुछ भी आ सकता है। अब सबको समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? मेरे पास उत्तर तो सर आ गया। हाँ एक सेकंड अमृता, हाँ आप पूछिए बेटा क्या पूछ रही हैं? आपने 3 से काटा, हम इसको 5 से भी तो काट सकते हैं ना सीधा? बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना, पहले हम 2 से काट रहे हैं, फिर 3 से काट रहे हैं, फिर 5 से काटेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। सर भैया ने, एक भैया ने बोला था ना हम 5 से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। जी बेटा हम वो बोल ही नहीं रहे हैं, तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल सही है, आएगा अगर तुम इसको 10 से कट कर दो तब वो आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना हर एक सवाल को करने का एक सही तरीका होता है, तो वो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले 2 से कट करिए, फिर 3 से कट करिए, फिर 5 से कट करिए, फिर 7 से कट करिएगा, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ओके सर।
अब बच्चों हेडिंग लगा दो एडिशन यानी कि योग। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा योग, ठीक है। हेडिंग लगाइए सारे बच्चे। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 और 1/3 और इन दोनों को जोड़ना है। तरीका क्या है? तो सबसे पहले जो हर है ना, हर, इन हरों का हम लसा लेते हैं, LCM लेते हैं। तो 5 और 3 का LCM बताइए बच्चों कितना होगा? आप लोग खुद बताइए चैट में, 5 और 3 का LCM कितना होगा? नहीं, जितेंद्र के नाम से जो बच्चा या बच्ची है गलत बता रही है आप, 3/8 इसका उत्तर नहीं आया है। 5 और 3 का बेटा एलसीएम बताइए कितना होगा? बहुत बढ़िया, 5 और 3 का एलसीएम बेटा 15 का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने 3 से कट किया, जब 3 से कट किया तो ये 1 लिखेंगे, ये क्या है 5। अब 5 से कट कर दीजिए तो ये 1 होगा, ये 1 तो ऑलरेडी से था, इसलिए बेटा जो एल सी एम होगा वो होगा 3 × 5 यानी कि 15। तो 5 और 3 का एल सी एम ले लीजिए, 15 लिख दीजिएगा यहाँ पे ऐसे। 15 लिखने के बाद बेटा देखना, ध्यान से दो तरीका मैं सिखा देता हूँ ना, दो तरीका। एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 2 का गुणा 3 में और इस 5 का गुणा इस 5 में, 3 × 6 और बेटा 5 × 5, 6 और 5 कितना होता है 11 है, 11/15 आएगा आपका फाइनल उत्तर जोड़ने पर। क्या आपको ये वाला तरीका समझ में आया? यस सर, समझ में आया ना बेटा सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका क्या है देखो बेटा, ध्यान से। दूसरा वाला तरीका ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दूसरे वाले को ध्यान से सीखिएगा। तो दूसरा वाला तरीका है उसको बेटा ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। जो दूसरा तरीका है उसको ध्यान से बच्चों, अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। दरअसल लिखा क्या था कि 2/5 लिखा था और जोड़ना था आपको 1/3 से। 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो आप सभी लगा कि सर इसका 15 होता है। अब ये रूल कहता है कि आप जो एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम को ऊपर दिए गए हर से भाग करिए। तो बेटा 15 को 5 से भाग करोगे तो कितने बार में कट होगा बताओ बच्चों, कितने बार में कट होगा? 3 बार में। बहुत बढ़िया, 3 बार में कट होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको 3 यहाँ पे लिख देना चाहिए और 2 का गुणा करा देना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3 है लिखा है, यहाँ पे 15 है, इस 15 को 3 से भाग करिए कितना आएगा? 30। कितना? 45। अरे नहीं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि इस 15 को भाग करिए, गुणा मत करिए, भाग करिए। अच्छा ठीक है बेटा, ये आएगा 5, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसके बाद, सॉरी सॉरी 15 नहीं, 5 है ना, 5 लिखेंगे और इसके बाद जो अंश है 1 उसको लिखेंगे बेटा, 5 × 1। अब देखिएगा 3 × 2 = 6 और 5 × 1 = 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. देखो बेटा ये वाला जो सेकेंड मेथड है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मुझे तो फर्स्ट वाला समझ में आया था। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ, फर्स्ट वाला ज्यादा आसान है, त्रिया गुणा करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वह हर जगह नहीं बैठेगा, कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो दूसरा वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है इसके लिए। ओके सर। बाकी बच्चे बताएंगे ठीक है? ओके बेटा मम्मी। अब आपके स्क्रीन पे एक सवाल है ठीक है, उसको माइक ऑन करिए। इस सवाल का उत्तर बताइए, 4/7 को जोड़ना है 3/4 से ठीक है, 4/7 को जोड़ना है 3/4 से, जोड़ के बताइए बेटा। मैं चैट को बंद कर देता हूँ ठीक है, तो बच्चों मैंने चैट को बंद कर दिया और फोन को मैंने ऑन। चलो बच्चों अब मैं फोन को ऑन कर देता हूँ ठीक है, फोन को ऑन कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे आंसर कर सकें, ताकि सारे बच्चे आंसर कर सकें। बच्चों फोन ऑन हो चुका है, आप फोन से बाकी बच्चे भी बताइए, पोल सिक्स में बच्चों ने बाकी के भी बताइए। अब तक 6 बच्चों का करेक्ट है और किसी का गलत नहीं है। बच्चों इस सवाल को टोटल 8 बच्चों ने करेक्ट दे दिया ठीक है, 8 बच्चों क्या कोई और बच्चा है या जो कोई और बच्ची है जो इसका उत्तर देना चाहती है? ओके बताऊं ठीक है, 11 ने करेक्ट आंसर दिया है ठीक है, 11 ने करेक्ट आंसर दिया है और 4 लोगों का उत्तर गलत हो गया ठीक। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बेटा चैट को ऑन कर, चैट को मैंने ऑन कर दिया है, चैट में इसका उत्तर बताइए। सर आपने चैट तो ऑन ही किया। मैं ये देख रहा हूँ कि बात भी पहले आंसर कर दी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ऑन कर दी है, ऑन कर दी। बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से देखिए हमें 7 और 4 का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो बच्चों अगर आप 7 और 4 का एलसीएम ले लो ना तो 28 के बराबर आएगा, आप ले करके देख लेना ठीक है। चलो तो 28 आएगा, अब 28 को 7 से भाग करिए, जब इस 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार भी कटेगा ये? तो बेटा ये कटेगा 7 × 28 यानी 4 बार।
और अंश में कितना है, चार, तो चार गुणे चार कर दीजिए। अब इसे 28 को चार से भाग करिए बेटा, तो जब इसे 28 को चार से भाग करेंगे कितने बार कटेगा, ठीक है बच्चों, तो चार से 28 यानी कि यहाँ पे सात लिखेंगे, और यहाँ पे जो तीन है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो चार सौ की 16 और सात तरीके 21/28, और 21 में 16 को जोड़ दीजिए, 6 × 7 तो 37/28, यानी कि बी वाला पार्ट बच्चों सही है, बी वाला पार्ट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, इस वाले सवाल को करके दिखाओ। देखो सवाल क्या, 13/2 और 4 सही 1/2। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को, ठीक है पहले बेटा इस मिश्र भिन्न को बदल देना विषम भिन्न में, विषम भिन्न में बदलने के बाद ही चेंज करना, ठीक है। चलो सारे बच्चे अपने मन से करो, मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ। बाकी लोग उत्तर करिएगा, ठीक है। अच्छा बाकी लोग बताइए, अभी तक सिर्फ दो बच्चों का करेक्ट आंसर, दो बच्चों का आंसर करेक्ट है, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया है। दोबारा से क्वेश्चन समझा दीजिए। ओके बेटा, दरअसल बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि 13/2 को जोड़ना है, जोड़ना है किसके साथ में, 4 सही 1/2 में। तो मैंने कहा कि जो वो मिश्र भिन्न है 4 सही 1/2 उसको आप बदल दीजिए एक विषम भिन्न में, जिसको आप अनुचित भिन्न भी कहते हैं, और तब जाकर सॉल्व करिए, बदलने के बाद तब उसको जोड़ने के स्थान पर रख के सॉल्व करिए। समझ में आया बेटा? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है। यस सर, हमें भी नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा सर। बाकी बच्चे भी बताइए कि रुक जाइए, मैंने अभी आंसर नहीं किया है। हाँ बेटा अभी तक फुल ऑन है, आंसर करिए। कोमल के नाम से, एक मिनट, कोमल के नाम से जो बच्ची है बेटा, अगर आप क्लास में सीटी बजा रही है ना, तो मैं क्लास से बाहर करूँगा, मैं क्लास से बाहर करता हूँ। बच्चों क्लास में अच्छे से रहना है, अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना, जैसे अभी को ऑन किया जा रहा हो। अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखें। बच्चों बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए। सर स्कोर बता दो। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर स्कोर बता दो। अच्छा स्कोर, हाँ सही कहा आपने बेटा, स्कोर कुछ इस तरीके से है कि 6 बच्चों का ठीक आया, लेकिन 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 8 बच्चों का गलत हो गया। बताओ इतना बड़ा फासला आ गया, यानी कि सही करने वालों की संख्या कम पड़ जा रही है और गलत करने वालों की संख्या आसमान छू गई है। बताओ तुम, तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए।
सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ। लेकिन देखिए बेटा, छह बच्चों का हो रहा है, आठ बच्चों का इनकरेक्ट। कहता है क्या तू कुत्ता? अरे कौन है ये सरोज गोरा के नाम से, कौन है ये? सर सॉरी, वो मेरे भाई माइक ऑन करके चला गया था। बेटा इस तरीके से मत करिए, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। क्या बात है, इस तरीके से आप करेंगे अगली बार तुरंत क्लास से बात करिए। सर वो भाई करके चले गए थे माइक ऑन। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड सर आप समझा दो ना। हाँ, सर समझ में नहीं आया, समझा दो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और चलो, क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। सर ठीक है, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर लिया है। सबसे पहले आप अपना आंसर लिख दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जो बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ठीक है, यस, मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। अंकित के नाम से बच्ची है, पुष्पा के नाम से जो बच्ची है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग ठीक है बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कि 13/2 को जोड़िए 4 सही 1/2 में। अच्छा, ये कौन है जो बार बार माइक ऑन कर रहा है? ये कोमल बेटा, ये तुम हो ना, जो अभी को मैंने तुमको क्लास से बाहर किया है, अभी को माइक ऑन करने की वजह से तुम्हें मैंने बाहर किया था, कोमल। अगर आपने दोबारा से ये माइक ऑन की तो मैं फिर से आपको क्लास से बाहर कर दूंगा और आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी कोमल, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी माइक दोबारा ऑन हो गई तो मैं आपको एंट्री भी नहीं दूंगा। चलो बच्चों, तो इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले आप एक विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो बच्चों एक बात बता दीजिए हमको, आप ये 13/2 को ऐसे ही लिख दीजिए और ये 2 का गुणा 4 में कर दीजिए। 2 चौके कितना होता है बच्चों, बताइए? 8 सर, 8 और 8 में ये अंश में जो लिखा है, एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। बहुत बढ़िया, जोड़ना पड़ेगा। जब बेटा जोड़ना पड़ेगा तो 4 × 8 एक 9, 9/2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। आप करके देखिएगा, देखिए 2 से कट जाएगा ये, तो सिर्फ एलसीएम कितना आएगा, 2। तो जब 2 आएगा बेटा एलसीएम, ठीक, जब एलसीएम 2 आएगा, ठीक, तो यहाँ पे आप 2 लिखिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। अब जब यहाँ पे बेटा आपने 2 लिख दिया, ये आश्रम के नाम से जो बच्ची है, कौन है ये? देखो, अब यहाँ पे 2 लिखने के बाद आप ध्यान से देखो एक बात और, अगर हर सेम होता है ना बेटा, सेम, अगर हर सेम होता है तो अंश को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो अंश क्या है, 13 है और 9 है, यहाँ पे सेम होने की वजह से ही हम एज इट इज लिख देंगे वैसे के वैसा ही। 13 में 9 जोड़ दीजिए, 9 और 3 12 है, यानी कि 22 होता है, 22/2। बच्चों 22 को 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 एंड 11 2 22, तो 11 आपका फाइनल उत्तर आएगा। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों?
यस सर यस सर। हाँ ध्यान ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एक तरीके से हर बराबर हो हर, तो अंश आराम से बिना किसी दिक्कत के जुड़ जाता है ना। अगर अलग हो तो, अलग हो तो वही जो मैं सिखा रहा था जिस तरीके से कि उस वाले एलसीएम को उन हरों से भाग करके। सर एक मिनट मैं इसको लिख लूं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सारे बच्चों ने लिख लिया? यस सर हम लिख लिया। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये क्लास ये यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए और नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के लिए रेडी रहिएगा बच्चों। जैसा कि आपको बताया है कि रिवीजन करवाऊंगा मैं आपके सेट एग्जाम के लिए, तो क्या सारे बच्चे आएंगे ना मंडे को रिवीजन करने? यस सर। सर क्या दोबारा बोल।